नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। कोरोना की दस्तक एक बार फिर देखने को मिली है, जिसके चलते अस्पताल प्रबंधन चौकन्ना हो गया है। मंगलवार की सुबह संजय गांधी अस्पताल में एक कोरोना वायरस पेशेंट पहुंचा, जिसकी जानकारी लगते ही अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में CHMO अधीक्षक डीन पहुंचे और पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दरअसल यह एक डमी मरीज था, जो अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का एक परीक्षण था। पेशेंट को मसूरी से लगे हुए लिफ्ट से सीधे वार्ड नंबर 3 में पहुंचाया गया, जहां उसे ऑक्सीजन दी गई। जानकारी के बाद डीन मनोज इंदौलकर के साथ अस्पताल की टीम पहुंची और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तैयारियों को लेकर डीन मनोज इंदौलकर ने बताया कि पहले से अब हमारी बेहतर व्यवस्थाएं हैं। ऑक्सीजन के पॉइंट पूरे वार्डों में है, वहीं ऑक्सीजन प्लांट की पूरी व्यवस्था है। सिर्फ रेमडेसिविर इंजेक्शन अभी उपलब्ध नहीं है, बाकी सभी उपचार के लिए दवाइयां संसाधन उपलब्ध हैं। आइए दिखाते हैं आपको मॉक ड्रिल और सुनाते हैं डीन मनोज इंदौलकर ने कोरोना को लेकर की जा रही तैयारियों के संबंध में क्या जानकारी दी है। हाँ, हम लोगों ने जो पहले वार्ड को चिन्हित किया है, तो हमारा ये जो एक ICU है, इसको सर्वप्रथम हम लोगों ने चिन्हित किया। दूसरा, हमारा ट्रायज एरिया जो पूर्व में भी कोविड में हम लोगों ने उसको चलाया था, वो आज भी कार्यरत है। तो हमारे आज मॉकड्रिल में एक हमारा जो डमी पेशेंट था, वो गेट नंबर 3 से ही सब, चाहे वो सिंगरौली सतना कहीं से भी आता था, तो गेट नंबर 3 जो हम लोगों ने बनाया है, जिसमें मर्चुरी के पास है, वहाँ से पेशेंट को हम लोगों ने बेसमेंट वाली जो लिफ्ट है, उसको हमने कोविड लिफ्ट के रूप में रिजर्व किया है। उससे हम कोविड एरिया, जो हमारा ट्रायज एरिया है, वो ग्राउंड फ्लोर पे है, वहाँ लेकर आए। वहाँ से फिर पेशेंट की स्थिति के अकॉर्डिंगली उसको शिफ्ट किया था। जैसे हमारा आज का जो पेशेंट था, इसको वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, इसलिए हम सीधे इसको तीसरी मंजिल पर स्थित हमारा जो ICU है, कोविड ICU, पॉजिटिव ICU, उस पर लेकर आएंगे। जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है, पहले और अभी में अंतर ये आ गया है कि हमारे जो ऑक्सीजन के पॉइंट है, वो पूर्व में 240 के करीब रहा करते थे मेडिसिन डिपार्टमेंट में, जो पूरे संजय गांधी में 720 तक पहुंच गएंगे। इसके अलावा हमारी जो ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या पहले 357 थी, वो 402 हो गई हैगी। इसके अलावा हमारे पास वेंटिलेटर की संख्या जो पहले 54 के करीब थी, वो 104 तक पहुंच गई हैगी। और हमारे नेबुलाइजर है 29 की संख्या में। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो शुरू में 60 थे, वो 186 तक पहुँच गएंगे। तो हमारे इक्विपमेंट की संख्या बड़ी है। हमारे यहाँ 2 PSA प्लांट, एक कोल इंडिया के द्वारा दिया गया है जो GMH में है, और एक हमारा सुपर स्पेशलिटी में है। तो PSA प्लांट भी हमारा कार्यरत है, जिससे हम सतत ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं। मेडिसिन का जहाँ तक सवाल है, रेमडेसिविर अभी नहीं है, बाकी सभी जो दवाइयाँ होती हैगी, लो मोलिकुलर हेपेरिन और स्टेराइड डेक्सामेथासोन, ये सभी दवाइयाँ भी हम लोगों के पास है। तो दवाइयों कोई कमी नहीं है, कंज्यूमर में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट, हमारे PSA प्लांट कार्यरत है, जिससे हम लोग, और इसके अलावा 50 KL का हमारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की व्यवस्था है, तो जिससे हम लोग त्वरित ऑक्सीजन हम उससे सप्लाई कर रहेंगे।